चल दूध पी लो और बिस्किट खा ले। उठो उठो चल चल। भगवान जी ना ऐसे पनिश करते हैं ना, फिर इसको रख साइड में। चल कैसे दूध है? दूध दूध भी कोई वो होता है, ये कैसा दूध? जैसा रोज बनाती वैसे ही है ना। क्या चाय वाला ही बनाया है? गॉड प्रॉमिस चाय वाला ही बनाया है। जल्दी पी, ड्रामे नहीं करनी, ये भी खा ले अपना। वही वाला बनाया बेबी, वही वाला बनाया। मेरे को नहीं पता, रोज मैं तेरा दूध बनाती हूँ, मेरे को नहीं पता कैसे बनाना। नहीं मैंने वो पत्ती भी डाली थी पहले, फिर उसके बाद जो है ना, फिर जब वो अच्छे से उबल गया था तब डाला था उसमें वो बॉर्नविटा। चलो 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 शाबाश। पूरी पूरी है ना, पांच हुई है ना, छह बड़ी है। दिन ही जो है माता रानी के ये जो है नौ रूप इनको पूजेंगे, और नौ तो नहीं हुई थी कंज के, सात हुई थी। तो चलिए, जो एक आपको पता ही है बच्चे वैसे भी अभी बिज़ी होते हैं, कभी किसी के घर पे कभी किसी के घर पे, और ये है प्रसाद जो हमने एक छोटी सी गुड़िया का रह गया था, तो वो मैं अभी सोनी को भेजूँगी कि तू उसके घर ही दे के आए। ढक लेना उसको दूसरी प्लेट से। साफ है लेकिन अगर गड़गड़ सुन रही है ना आपको, तो ये गड़गड़ियाँ और ही हो उतरे हमारे वाले घर की साइड को। बड़ा मौसम ख़राब है, पता नहीं बारिश तो कितनी होगी कब होगी, लेकिन आज लग रहा है कि थोड़ा मौसम ठंडा हो जाएगा। चल चलते हैं घर। और आज हंसी को किया था फ़ोन, तो हंसी जो है ना, हंसी बोलता मैं खेलने जा रहा हूँ आज, बेचारा कितने दिनों के बाद आज अच्छे से खेलने जाएगा। बच्चों का शोर आ रहा है मेरे को यहाँ पे, शायद यहाँ खेल रहे नीचे। उसका ना उस स्कूल में मन नहीं लग रहा है, और ना ही वो वहाँ पे एडजस्ट कर पा रहा है, क्योंकि जो बाकी बच्चे हैं वो नए बच्चे को ना थोड़ा सा वो नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट टाइप में समझ लीजिए, और वो कुछ अलग तरह का है। वो ना घर में जितना मर्जी शरारती है, लेकिन बाहर ना, बाहर वो बिल्कुल शाय किस्म का बच्चा है। देखते हैं, मैं तो बोल रही थी कि नहीं होगा तो वापस जिस स्कूल में पढ़ रहा था वहीं डाल देंगे, क्योंकि रोज़ वो रोता है, रोज़ सुबह जाता है ना, रो के जाता है। चलो देखते हैं क्या बनता है, अभी मैं घर पहुँचती हूँ, फिर करती हूँ बात।
तो अभी कपड़े वगैरह धो के और शाम को ही जो है ना मैंने ये जगह खाली कर दी थी, क्योंकि अगले दिन सुबह पूजा होनी है नवमी की, तो अभी साफ़ करके उसके बाद जो है ना अगला काम करेंगे। बाहर निकल, जल्दी कर जल्दी, टब के अंदर घुसा हुआ है, क्या कर रहा है, किसके साथ खेल रहा है? इंडिया सुपर, अच्छा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। मैं झाड़ू लगा लेती हूँ ना, तुम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान करता रहे, तेरे तो ड्रामे ही नहीं छूटते। तो आज हमने ना यहाँ पे पूरा खाली कर दिया है, खाली क्या कर दिया, जगह बना दी थोड़ी थोड़ी ये पूरी जगह, क्योंकि यहाँ पे हवन करना है उन लोगों ने आ गया, अभी जेठानी होने मेरे जेठ होने, तो बोला था कि खाली कर देना हवन के लिए, थोड़ी सी जगह बनानी है। तो बस सभी, वैसे तो मैंने कल भी सफाई की थी, पर मैंने कहा चल झाड़ू लगा देती हूँ, और उसके बाद जो है ना कमरे की हालत सुधारती हूँ थोड़ी सी, फिर करते हैं बाकी का काम। हवन देखिएगा अभी, आपको भी दिखा देंगे थोड़ा सा हवन। चलो तो सफाई वगैरह मैंने कर ली थी मॉर्निंग में, और यहाँ पे जो है ना डाइनिंग टेबल पर अगर आपको दिख रहा हो ये सारा तामझाम, तो ये हवन का जो सामग्री इकट्ठी करके जो इकट्ठा जो बनाते हैं ना जिससे हवन की आहुति जलती है, तो ये वो बना रहा है ऋषि, बना रहा है जेठ का बेटा, और साथ में जेठ खड़े हैं। और इसके बाद जो है ना हम सब हवन करेंगे, और माता रानी का आशीर्वाद आप भी लें, सब लें। तभी मैंने कहा चलो आज अब पूरा वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ, आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, और जैसा फील मैंने किया है आफ्टर हवन तो आप ही सेम वैसा ही फील करेंगे। इधर रोनी अंदर ऐसी ऐसी और रोनी इधर, ये लिफाफा जो बता ये इसको इसमें डाल देना, जो खाली इसमें डाल, इस वाले में क्या है, खाली वाले है ना ये, हाँ एक ही जगह से बुलाने को ठीक रहेंगे ना। तू कह दो फोन करा, रेंट तो बाद में रख देंगे क्या, मेरे को बाहर ना, चल इधर बड़ा खतरनाक है, बना लेगा ना। चंदन बली दे नित्यम तिष्ठति लक्ष्मी सर्वदा, लो ओम हरि ओम देव सत्वाह सवित देव सत्वाह। भवानी भवमोचनी आर्य दुर्गा जया चाध्या सदा
सत्वाहा चरितो हो पुनातो हो धार बंदी बिरा भाषो पवित्र साधारण भाषो पवित्र साधारण सज्जी मधुक्षम जी सत्वाहा चरितो हो पुनातो हो तो कहाँ गया इधरा 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 जल्दी आ जल्दी पाक गया जो ध्यावे फल पावे दुख विनते मन का स्वामी दुख विनते मन का सुख संपते घर आवे सुख संपते घर आवे कष्ट मिटे तन का शर्ट को नीचे कर। हाँ तुझे पता ही नहीं चलता यार। तुझे जितना मना करो ना धूप में नहीं जाना। शर्ट को नीचे कर, आगे पीछे से ठीक कर, शीशे में देख के कर। हाँ बस कुर्ता पजामा डाल के दुकान पे जा रहा है। दुकान पे जल्दी आना, जल्दी समझ आई। हाँ अरे परे नहीं फिरना। 10 only 10। नहीं नीचे नीचे कहीं जाना नहीं, मेरे को पता ना तू कहाँ जाता, सीधे घर आ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और देखा आपने ब्लॉग आज मेरा, अष्टमी नवमी का ये कंबाइंड ब्लॉग था। तो कल तो मैंने आप लोगों के लिए सिर्फ अपना एक्सरसाइज का ही डाला था, तो आप लोगों में से किसी ने भी मुझे ये राय नहीं दी जब मैं आप लोगों से पूछ रही थी उसमें कि अगर आप मेरे साथ लाइव सेशन में जुड़ना चाहते हैं या नहीं। पर शायद किसी ने ब्लॉग पूरा देखा ही नहीं है, क्योंकि सबको ये होता ना कि योगा का है क्या ही देखेंगे इसमें। तो हो सकता है मे बी वो रीज़न रहा होगा। तो चलिए वो अपनी अपनी इच्छा है। तो बस मैंने यही देखना था कि कोई योगा सेशन में जुड़ते हैं या नहीं। और कल अष्टमी थी, कल हमने अष्टमी की भी पूजा की, अष्टमी का जो है ना कंजके वगैरह पूजी थी। और आज नवमी थी, तो आज नवमी का हवन और पूजा वगैरह हुई और कंजके फिर से पूजी। और ये इसके हंसी के पापा घर पे नहीं है, वो गए हुए थे कल वैष्णो देवी। कल मुझे भी एक्चुअली बाद में ही पता चला, फ़ोन आया उनका कि मेरा फ्रेंड जा रहा था, तो फिर मैं भी साथ में चला गया वैष्णो देवी। और चलो उनको बुलावा होगा तो वो चले गए हैं, और हमें नहीं होगा तो अब हम जब बुलावा आएगा तभी जाएंगे ना। तो वो चले गए थे वैष्णो देवी, और वो आज शाम तक पहुंचेंगे। और अभी जो है ना बस मुझे थोड़ा थोड़ा सिर में दर्द हो रहा था, तो मैंने दवाई खाई है। तो मैं सोच रही हूँ कि इससे ज़्यादा पहले पड़ जाए तो अच्छा है कि थोड़ी देर सो जाए, रेस्ट कर लें। और कपड़े वगैरह जो है ना मेरे सिर्फ प्रेस करने वाले बचे हैं, बाकी मैंने जो कल भी धोए थे और परसों भी धोए थे। और हवन जो किया ना, तो हवन से सारा जो उसका होता है ना धुआं, वो पूरे घर पे हो गया था। तो उस वजह से क्या किया कि हमने खिड़की दरवाजे खोल दिए, अब वो खोल दिए तो धुआं बाहर निकालने के लिए, लेकिन क्या हुआ कि उससे ना मक्खियाँ अंदर आ गई। और वो मक्खियाँ अभी मुझे तो इतनी इरीटेट कर रही हैं कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब
आज ये है ना कि नवमी है तो मारेंगे भी तो कितनी मारेंगे, इसलिए मैंने मारी नहीं है। नहीं तो मुझे बहुत गंदी लगती हैं, और ज़्यादा भी नहीं है लेकिन अच्छी नहीं लगती है ना। तो बस मैं सोने लगी थी और साथ में ब्लॉग एंड करने लगी थी। मैंने सोचा चलो पहले ब्लॉग एंड कर देती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और आई होप मेरा आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना, और अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम मेरे विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करें बिना मत जाना। तो मैं आपसे कल मिलूँगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, आज मैं लाइव आ रही हूँ 4 बजे, तो लाइव सेशन देखना मत भूलिएगा। चलिए कल मिलते हैं फिर, बाय बाय।